मैं हूं मोहित शर्मा, आप देख रहे हैं आर्ट गुरु मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टिल लाइफ के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप इस लेवल से इस लेवल तक ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिक शेप्स को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसमें कलर करेंगे, किस तरह से किया जाता है पूरा अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है और अच्छी तरीके से फुल वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चीज को बनाते हैं तो मुझे जरूर से टैग कीजिए इंस्टाग्राम पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं और उसमें कलर करते हैं। तो मिलते हैं वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टिल लाइफ के बारे में। तो आज स्टूडेंट्स के लिए और बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एज ए बिगनर हैं ड्राइंग के क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारी जानकारी और बहुत ही पर्टिकुलर जो चीज़ बेसिक होती हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। और आपको कलरिंग किस तरह से करनी है और आप बनाना किस तरीके से है वो चीज़ आपको यहाँ को देखने को मिलेगा। तो स्टिल लाइफ बहुत ज़रूरी होती है एज ए बिगनर। अगर आप एक बिगनिंग में हैं तो आपके लिए स्टिल लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बेसिक लेवल से अपर लेवल तक पहुंचने के लिए काफ़ी मदद करती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो हर एक बिगनर्स को, हर एक स्टूडेंट्स को इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो ड्राइंग के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो बेसिक शेप्स होती हैं उन चीज़ों को मिला के मिक्स करके एक यहाँ पे स्टिल लाइफ ड्रॉ किया है। अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हैं, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, सामने रख के कुछ चीज़ों को उनको अच्छे से मेज़र करके, उनको अच्छे तरीके से देख के उनको तब आपको ड्रॉ करना है ताकि उनकी जो कमियाँ हैं, जो जितनी दूरी पर रखी हुई है, जो चीज़ जितनी छोटी है पर्टिकुलर एरिया आप नाप लेंगे, जो चीज़ जितनी छोटी है एक पर्टिकुलर एरिया से उतनी छोटी अब आप बनाएंगे, उस चीज़ को पूरा मेजरमेंट पूरा ओवरऑल देख के अच्छी से तब उसको ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो पेंटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से निकल के आती है। इससे आपकी जो देखने की क्षमता है, चीज़ों को परखने की क्षमता है और जो मेजरमेंट है आपकी आइज़ के लिए, आपके हैंड के लिए, आपके माइंड के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक जगह जब एकत्र हो जाती हैं तो उनको आप अच्छी तरीके से एक पेपर पे जब उतारते हैं तब आपकी जो पेंटिंग्स बनती हैं वो बहुत ही खूबसूरत बनेगी। तो यहाँ पे आपको अपनी जो कमियाँ हैं उनको अच्छी तरीके से सुधारना है। जो बेसिक शेप्स होती हैं हमारे, जैसे सर्किल हो गया, बॉटल हो गई, बेलन हो गया, शंकु हो गया, इस तरीके से जो बेसिक शेप हैं उन चीज़ों से मिक्स करके यहाँ पे हम पूरी ड्राइंग स्टिल लाइफ में वर्क करते हैं। और इस तरीके से वर्क करने के बाद हमें जो हमारी लाइन प्रैक्टिस भी इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाती है क्योंकि पर्टिकुलर लाइन के चीज़ों से ही हमें, लाइन से ही हमें एक शेप्स देनी होती है जो हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे जो बेसिक शेप्स बनाई थी आपकी, वो पर्टिकुलरली कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसमें अब कलरिंग की बारी आती है तो यहाँ पे आप कलर यूज़ कर सकते हैं कोई से भी। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स वाले जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट हैं वो भी इस चीज़ कलर को यूज़ कर सकते हैं, आर्टिस्ट भी इस कलर को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे कलर हैं कैमल के, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिस्टिक वाटर कलर केक। तो मैं फ़िलहाल यही यूज़ कर रहा हूँ और इनकी क्वालिटी कैसी है और किस तरह का इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहा है तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको करना है, सबसे पहले हमने बेसिक जो शेप्स बनाई थी अपनी स्टिल लाइफ की, जो सामने देख के मॉडल जो हमारा रखा हुआ था उसको देख के जो भी चीज़ें हमने बनाई हुई हैं उनको उसमें फर्स्ट लेयर आप बिल्कुल लाइट करेंगे। जो भी एक पर्टिकुलर एरिया आप देखेंगे जो सबसे लाइट होगा उस एरिया को उस कलर से मैच करेंगे और पूरे ओवरऑल उस जो आपने बनाई हुई है उनमें पूरे पर्टिकुलरली एक अच्छी तरीके से फर्स्ट वॉश लगा देंगे अपने वाटर कलर का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने
पूरे कप में और नीचे जो संतरा है और बॉटल है उसमें किस तरीके से फर्स्ट लेयर हमने लगाई थी बिल्कुल एक समान। अब इसमें जब ये पूरी अच्छी तरीके से सूख जाती है तब इसमें सेकंड कोड हम यहाँ पे लगाएंगे, सेकंड लेयर का यूज़ करेंगे। सेकंड लेयर में थोड़ा सा इफ़ेक्ट हम ज़्यादा देंगे, हम पीछे वाली चीज़ों को ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे जो हमारी पर्टिकुलर बिल्कुल उसके कलर के समान है। हम यहाँ पे देखेंगे जो लाइट एरिया है और जो बिल्कुल डार्क एरिया है उन चीज़ों को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे जो डार्क एरियाज़ हैं। तो डार्क एरियाज़ में हम थोड़ा सा कलर लेके डार्क उसको फुलफिल करेंगे सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने बॉटल में कराया, उसी तरीके से हम यहाँ पे जो हमारा प्लास्टिक का जग रखा हुआ है, मग रखा हुआ है, कप रखा हुआ है उसमें हम यहाँ पे करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो हमारा जो डार्क एरियाज हैं जो जहाँ से लाइट पर्टिकुलरली लाइट के विपरीत दिशा में जो है एरिया उसको हम डार्क रखेंगे। आप देख सकते हैं कप का जो थोड़ा सा डार्क एरिया है उसको हमने थोड़ा सा डार्क किया है जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है, और एक हिस्सा उसका हमने थोड़ा सा लाइट छोड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से जब आप पर्टिकुलर चीज़ों को अच्छे तरीके से देखते हैं, उनको मेजर करते हैं, कलर को समझते हैं कि इसमें कौन सा कलर की कौन सी टिंट देना है, कौन सी टोन देनी है, तो उन चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से देखना है, उसके बाद ही यहाँ पे आपको कलर करना है। तो पूरा ओवरऑल किस तरह का लग रही है पूरी पेंटिंग्स वो नीचे कमेंट करके आप बताइए। अगर इस तरह की पेंटिंग्स और देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह की आने वाली वीडियोज़ में आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेंगी। एज ए स्टूडेंट्स आपको इस तरह का वर्क करना है, अगर आप इस तरह का वर्क करते हैं, ये वाली पेंटिंग्स बनाते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे टैग कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं, काफ़ी सारे सवाल कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल हमारी पूरी जो पेंटिंग है वो कम्प्लीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का इफ़ेक्ट आया है, किस तरह का पेपर है और किस तरह के ब्रश मैंने यहाँ पे यूज़ करें, पूरा ओवरऑल कॉम्बिनेशन किस तरह का इफ़ेक्ट देखने को आपको मिला है। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी चैनल्स पे, तो बने रहिए हमारे चैनल पे आर्ट गुरु मोहित शर्मा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। इसी तरह की नई नई वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आते रहता हूँ। अगर आपको पेंसिल से रिलेटेड चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल कलर की यहाँ पे वीडियोस आ रही हैं वाटर कलर की, तो इसी तरह से ये कंटिन्यू करेंगे हम इसको, नए नए डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे हम वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो यहाँ पे नए नए सब्जेक्ट पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आपको पेंटिंग्स मिलती रहेंगी। तो बने रहिए आर्ट गुरु मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल के साथ और बनाते रहिए ड्राइंग और सीखते रहिए ड्राइंग। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।